हेलो फ्रेंड, इस डॉक्टर अभिलाष मोदी, वेलकम यू ऑल। बड़ा ही अच्छा मुद्दा लेकर के आज मैं आपके सामने आया हूं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये मुद्दा, क्या है देखते हैं। दोस्तों, बहुत सालों से मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि लोग अपशब्द बोलते हैं। मुझे समझ में नहीं आता था लोग क्यों बोलते हैं ऐसा, लोग बुरे शब्दों का, गाली गलौज का, गंदे शब्दों का यूज क्यों करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, लोग गाली गलौज क्यों करते हैं अगर ये समझ में आ गया तो शायद कुछ लोग सोचें कि हम गाली गलौज ना करें, और उसी पर ये पूरी वीडियो बनने वाली है। चलिए देखते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा लोगों को गाली गलौज करते हुए, गलत शब्द यूज में लेते हुए, अपशब्द बोलते हुए। आपको लगता होगा बहुत बार कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। हो सकता है आपने पूछा भी हो उनसे, वो हो सकता है आपके पापा हो, मामा हो, चाचा हो, या कोई भी इंसान जिस जो आपके क्लोज हो। हम पूछ भी लेते हैं बहुत बार, पापा आप गाली क्यों बोलते हो यार, ऐसे ही भी तो बोल सकते हो ना। और पापा का रिप्लाई होता है कि बेटा तेरे को नहीं पता, ये लेबर है, इनसे ऐसे ही काम करवाना पड़ता है, तू करवाएगा तू भी ऐसे ही करवाना, वरना ये काम ही नहीं करने वाले। और हम पूरी जिंदगी इसी गलत सोच में जी लेते हैं कि अगर किसी इंसान से काम करवाना है तो हमको गाली बोलनी पड़ेगी, हमको उसको उकसाना पड़ेगा कि तू काम कर, उसको गधे की तरह काम करवाना पड़ेगा, उसको नीचा फील करवाना पड़ेगा, उसको ह्यूमिलिएट करना पड़ेगा। क्या सच्चाई है? नहीं, ये एक बहुत बड़ा झूठ है, एक बहुत बड़ा झूठ है जिसके अंदर हमको फंसाया जा रहा है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं क्यों, क्योंकि उनको पता ही नहीं है एक्चुअल में क्या चीज हो रही है। एक तरीके के शब्दों में 30 शब्द हैं और एक तरीके के शब्दों में 3000 शब्द हैं। उनको वो 30 शब्द याद है जिसको वो बार 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 यूज में लेते रहते हैं और अपनी पूरी जिंदगी जी लेते हैं। ये 30 शब्द वो शब्द हैं जो लोग यूज में लेते हैं, ले रहे हैं और लेते रहेंगे अपने काम करवाने के लिए, लोगों को प्रोवोक करने के लिए नहीं, लोगों को ये बताने के लिए नहीं कि तुम्हारे पास क्या पावर्स हैं, लोगों को ये बताने के लिए कि मेरे पावर मत भूलो तुम, लोगों को बुरा फील करवाने के लिए, लोगों को नीचा फील करवाने के लिए। और दूसरी तरफ है 3000 शब्द, 3000 शब्द ऐसे जिससे मैं सामने वाले को मोटिवेट कर सकता हूं, इंस्पायर कर सकता हूं, उसको अपनी क्षमताएं बता सकता हूं, जो एक इंसान यूज में ले सकता है सामने वाले पर्सन को यह बताने के लिए कि तेरे में पावर है तो कर सकता है। सोचिए, अगर एक मोटिवेटर, अगर एक पर्सन जो मोटिवेट करता है, एक मोटिवेशनल स्पीकर, वो उन 30 शब्दों को यूज में ले तो, कौन से शब्द मैं वो बोलूंगा नहीं पर आप समझ जाए, वो कभी भी ऐसे शब्दों को यूज में लेकर के किसी सामने वाले को नहीं बोलता कि ये काम करके बता, तो उसे ये बन के बता, क्योंकि उसको पता है वो काम कर ही नहीं सकता ऐसे। लॉन्ग टर्म तक किसी इंसान को मेहनती बनाने के लिए आपको अच्छे 3000 शब्दों की जरूरत पड़ेगी। किसी इंसान को कुछ समय के लिए जानवर बना करके काम करवाने के लिए आपको 30 गालियों की जरूरत पड़ेगी। आप किसी पर्सन को उकसा करके, उसको गलत शब्द बोल करके, अपशब्द बोल करके, गाली बोल करके, किसी बड़े से कार्टन को यहां से वहां उठवा करके रखवा सकते हो, किसी इंसान को उकसा करके आईएएस ऑफिसर सीए नहीं बना सकते। उसके लिए उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, उसके लिए शब्दों की जरूरत होती है। पर लोगों ने अपनी कामचोरी के कारण उन 3000 शब्दों को याद करने की जहमत नहीं उठाई, उन्होंने वो 30 शब्द याद कर लिए, उसी को वो जीवन भर बोलते रहते हैं। जब भी उनको कुछ चीज समझ में नहीं आती है वो उन्हीं गलत शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं, ए गधे ये काम कर, ए ये काम कर, ए ये काम कर, वो उनको उकसाते हैं, अपना काम करवाते हैं और निकल जाते हैं। ध्यान से समझे गाइस, अगर आप भी इन्हीं 30 शब्दों का प्रयोग में लेने वाले हैं तो आप कुछ गलत कर रहे हैं। आप भगवान के बनाए उन 3000 शब्दों को यूज में ले ही नहीं रहे। जैसे अगर मुझे किसी इंसान से कोई काम करवाना है, एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं उसको उकसाऊं, उसको ये बताऊं कि ये काम कर, उसको गाली गलौज करूं, वो काम कर देगा 100%, क्योंकि वो मजबूर है, वो काम कर देगा। पर अगर सपोज करें ऐसा सेठ जो गलत सलत बात बोलता है, अगर उसकी कल को डेथ हो जाए, आपको क्या लगता है, वो वर्कर रोएगा नहीं? उसको दुख होगा ही नहीं, उसको लगेगा जिंदगी भर से मेरे को गालियां बोली, क्या फर्क पड़ गया, मर भी गया तो। उसके लिए एक सेठ मरेगा जो उसको पैसे देता था, क्योंकि उसने उससे कुछ सीखा ही नहीं। एक पिता जो जीवन भर गालियां बोलता रहा, चाहे वो लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख रुपए महीने कमा रहा, क्या फर्क पड़ता है, अपने बच्चों को क्या सिखा रहा है गाली बोलना। दोस्तों, शब्दों को चुनने से पहले ध्यान रखें, आपके शब्द ही आपको कुछ बना सकते हैं। दुनिया के जितने भी मोटिवेटर्स हैं, चाहते तो वो भी गलत शब्दों का प्रयोग कर सकते थे, मैं भी गलत शब्दों का प्रयोग करके आपको उकसा सकता था,
और उससे क्या होता, क्या आप वास्तविकता में मेहनती बन जाते? नहीं। अगर मैं एक डंडा किसी डोंकी को मारूं तो वो भी काम कर लेगा, पर क्या उससे वो मेहनती बन जाता है? नहीं। ये समझना पड़ेगा हम लोगों को कि मेहनत करने में और सिर्फ एक बार किसी काम को कर देने में बहुत अंतर होता है। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन के इस रूल को याद रखें। कम्युनिकेशन का अर्थ ये नहीं है कि हम धीरे धीरे बात कर रहे हैं या सॉफ्टली बात कर रहे हैं, नहीं। कम्युनिकेशन का अर्थ है जब मैं शब्दों को चुनाव कर रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि इस शब्द से सामने वाले को बिना बुरा लगे कैसे मैं अपनी बात वहां तक पहुंचा सकता हूं। अगर आप ये कर पाए तो आपका कम्युनिकेशन शानदार है, नहीं तो कम्युनिकेशन नहीं है, सिर्फ कॉन्वर्सेशन है। कॉन्वर्सेशन कोई भी कर सकता है, एक अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है। तो हमको इन चीजों को समझना होगा। आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ट्राई करें। अगर आप किसी भी तरीके की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और याद रखें, 30 नहीं 3000 बोलेंगे, 3000 अच्छे शब्द याद करेंगे, 30 बुरे शब्द नहीं बोलेंगे। अगर वो 30 शब्द आप बोलते हैं, जिस दिन आप इस दुनिया से जाएंगे, जिनको भी आपने वो शब्द बोले उनको कहीं ना कहीं मन में लगेगा क्या फर्क पड़ गया, चला भी क्या, तो इतना बुरा बोलता था। और आपने गाना भी सुना होगा, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, तो उस बोल का मतलब क्या हुआ? बोल मतलब अच्छे शब्द। सो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।